हम निकालेंगे प्रेतों के नाम अध्याय दो, ऋषिगण से गुरु के अध्याय दो उसका एक से लेके चार तक, जैसे एक के चार पर्यंत। प्रेतों के काम ऋषिगण से गुरु के अध्याय दो उसका एक से चार, जैसे एक के चार पर्यंत। एक्ट्स चैप्टर टू अध्याय दो 1-4 जैसे एक के चार। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी से संसरण सा शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग फैली। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। नंतर पेंतेकोस्त म्हणजे 12वा दिवस आल्यावर ते सर्व एकत्र जमले होते तेव्हा अकस्मात मोठ्या वाऱ्याचा सुसाट्यासारखा आकाशातून नाश झाला व ज्या घरात ते बसले होते ते सर्व त्याने भरले आणि वेगवेगळ्या होत असलेल्या अग्नीच्या जिभांसारख्या जिभा त्यांना दिसल्या व प्रत्येकावर त्या एक एक अशा बसल्या तेव्हा ते सर्वजण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले आणि आत्म्याने जसजशी त्यांना वाचा दिली तसतसे ते निरनिराळ्या भाषातून बोलू लागले। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। वचन की सेवा तो आपके हाथों में रहते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तू सहायता करना, करुणा दया रखना प्रभु। इसलिए पवित्र पिता वचन का अर्थ समझने के लिए मदद करना और हमेशा ग्रेटफुल आपके साथ रहने के लिए तू सहायता करना, इनकी सुनी लेना यीशु के नाम से। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह 50 दिन हो गया जिंदा हो गए। यीशु मसीह जीवन हो 50 दिवस आ गए, इसलिए यहाँ लिखा पेंतेकोस्त का दिन आ गया। पेंतेकोस्त का दिवस आ गया, जब पेंतेकोस्त का दिन आ गया मतलब क्या हुआ कि 50 दिन हो गए हैं। पेंतेकोस्त का दिवस आया म्हणजे 50 दिवस झाले, किसको 50 दिन हो गए हैं आणि कशाला 50 दिवस झाले। यीशु मसीह जिंदा हो गया, यीशु मसीह जीवन। मैंने आपको कहा कि जब यीशु मसीह जिंदा हुए उसे पहला दिन कहा गया आणि तुम्हाला पहिले सांगितले की यीशु ख्रिस्त ज्या दिवशी जिवंत झाले त्याला पहिला दिवस, दुसरा दिन, तिसरा दिवस, चौथा दिवस, 50 वा दिन शिष्य 50वें दिन में एक जगह में एकत्रित थे आणि सर्व शिष्य एका ठिकाणी एकत्रित होते और उस 50वें दिन में क्या हुआ पवित्र आत्मा आ गया। आज 50वें दिवशी काय झालं पवित्र आत्मा, और जैसे पवित्र आत्मा आ गए आणि जसं पवित्र आत्मा आली तो उस समय क्या हुआ त्यावेळेस काय झालं पवित्र आत्मा से भर गए, सर्व पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले, बोलणे की शक्ती दी आणि त्यांना बोलण्याची शक्ती दी आणि अन्य भाषा बोलणे लागले आणि अन्य भाषा बोलू लागले। ये हम बड़ा चमत्कार देखते हैं आणि हा खूप मोठा चमत्कार आपण इकडे पाहतो। सच पूछो तो यहाँ हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं कि पेंतेकोस्त ये दिन क्यों इतना पर्व, ये जो पर्व यानी त्योहार क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया 50 पेंतेकोस्त का मीनिंग है 50 दिन, पेंतेकोस्त का 50 दिन, और उसका ऐसा स्पेशल 50वां दिन क्यों बोला गया है तो उसका इम्पोर्टेंट है कि हमारा यीशु मसीह 50 दिन हो गए जिंदा हो गया आणि स्पेशल त्याला 50वा दिवस का म्हणण्यात येतो कारण येशू ख्रिस्ताला जीवन होऊन 50 दिवस झाले उस समय पवित्र आत्मा आया आणि त्यावेळेस पवित्र आत्मा येशू मसीह जब इस पृथ्वी पर थे उसने अपने शिष्यों को कहा था मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा और परमेश्वर की आत्मा को भेजूंगा। येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती होते तेव्हा त्याने आपल्या शिष्यांना सांगितले की माझं जाणं गरजेचं आहे कारण जेव्हा मी जाईन तेव्हा मी पवित्र आत्मा, और येशू ने वही किया 50वें दिन में पवित्र आत्मा भेजा आणि येशू ख्रिस्ताने तेच केलं 50वा दिवशी पवित्र आत्मा। जब येशू मसीह कलवरी क्रूस पर थे आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त और अपना प्राण त्यागा आणि स्वतःचा प्राण त्याने तब उसके छाती में भाला खूप साया गया आणि तेव्हा त्यांच्या छाती मध्ये भाला खूप बसण्यात आला, तब रक्त खून और पानी बहा आणि तेव्हा रक्त आणि पाणी बहा, तो इसीलिए उस कलवरी क्रूस पर बलिदान के द्वारा यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई आणि त्या वधस्त समूहाच्या बलिदानाच्या द्वारे येशू ख्रिस्ताने मंडळी बनवली और प्रभु ने कहा उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। प्रभु म्हणाला त्या मंडळीवरती अधोलोकाचे फाटक कधी प्रबल नाही। जैसे आत्मिक दृष्टिकोन से जो कलीसिया बनाई गई आत्मिक कलीसिया जिसके जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे वो कलीसिया दृष्टांत रूपी यानी हम जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जहां हम जमा हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, उसे कहते हैं आंखों से दिखने वाली दृष्टांत रूप
नवीन कलीसिया स्थापित होना 50वे दिन में हुई। आणि जसं आत्मिक दृष्टिकोनाने जसं देवाने मंडळी बनवली जिच्यावरती अधोलोकाचे फाटक कधी प्रबळ होणार नाही, तशाच रीतीने एक दिसणारी जी मंडळी आहे ती देवाने बनवली आणि त्याला म्हणतात 50वे। पहिली कलीसिया आहे जो यरुशलेम में बनाई गई आणि पहिली मंडळी आहे जी यरुशलेम मध्ये स्थानीय कलीसिया जिसे कहते हैं स्थानीय कलीसिया। आणि आज संसार में इस संसार में बहुत सारी कलीसिया है आणि आज या जगामध्ये खूप सारे मंडळी आहेत, लेकिन वो सारी कलीसिया एक कलीसिया है, उन्हें आत्मिक कलीसिया जिसे जो दिखाई नहीं देती। आणि सर्व मंडळांमध्ये एक मंडळी आहे की आत्मिक मंडळी जिसे विश्व कलीसिया कहते हैं। विश्व मंडळी म्हणजे क्या कहते हैं? विश्व कलीसिया, विश्व मंडळी। आणि इस कलीसिया को जो अभी हम देख रहे हैं 50वें दिन में जो अभी पवित्र आत्मा आने के द्वारा हुआ, इसे कहते हैं स्थानीय कलीसिया। आणि 50वें दिवशी पवित्र आत्म्याच्या द्वारे जी मंडळी बनवण्यात आली त्याला आपण म्हणतो स्थानीय मंडळी। विश्व कलीसिया दिखती नहीं है, विश्व मंडळी दिसून येते, आत्मिक है, ती आत्मिक आहे, उसका हम एहसास लेते हैं आणि तिचा आपण अनुभव घेतो। कभी केव्हा? जब आप देखो, जब आप बहुत प्रार्थना में रहते हो, जब तुम्ही खूप प्रार्थनेमध्ये असता, आत्मा में भर जाते हो, आत्मा में भरता, तब आपको ऐसा लगता है कोई भी नहीं है आजूबाजू में। आणि जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की आजूबाजूला कोणी नाही, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में तरंग रहा, आणि जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की मी हवेमध्ये तरंगत आहे, ऐसा सोचता मैं भी स्वर्ग में हूँ, आणि अनुभव होतो की आता मी स्वर्गात आहे, मैं भी पीछे जमीन नहीं, माझ्या पायाखाली आता जमीन नाही, ऐसा आपको एहसास होता है, अशी तुम्हाला जाणीव होते। वो आप उस समय आत्मिक कलीसिया में प्रवेश किया रहता है क्योंकि वो आत्मिक राज्य की कलीसिया है। प्रवेश आत्मिक राज्य, लेकिन अभी जो स्थानीय कलीसिया जो आप वांगी के चर्च में बैठे हो, स्थानीय मंडळी मध्ये वांगी चर्च मध्ये बसले, आप हमने एक दूसरे को देख रहे हैं, तुम्हें एक मिनट देखो, आपके नीचे जमीन है, मेरे पैर के नीचे भी जमीन है, तुम्हारे सुधर जमीन है, मैं भी हवा में नहीं हूँ, मैं तो हवे नहीं है, क्या आगे का नहीं, आप सब लोग जमीन पर बैठे हैं, तो सर्व जमीन स्थानीय कलीसिया जहाँ हम चारों दिशाओं से अन्य अन्य देश से लोग यहाँ एकत्रित हुए, जिन्हें चार ही दिशाओं लोग एकत्रित होता है, सब लोग अलग अलग जगह से हैं, आणि सगळे वेगवेगळे ठिकाणी आहेत, भारतीय आहेत, भारतीय हम सब भारतीय, लेकिन अलग अलग स्टेट से, पण अलग वेगवेगळ्या स्टेट मधून आहोत, है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले, वेगवेगळी भाषा, अलग अलग बोली बोलने वाले, और हम एकत्रित यहाँ बोले, इसे कहते हैं स्थानीय कलीसिया। स्थानीय कलीसिया का जो जन्म मिशन जो परमेश्वर ने बताया वो 50वें दिन में, स्थानीय मंडळी का जो जन्म है तो चर्च का बर्थडे हम बोल सकते हैं, चर्च का बर्थडे स्थानीय कलीसिया का बर्थडे, स्थानीय मंडळी का वाढदिवस, और ये 50वां दिन हमेशा संडे आता है, 50वां दिन जब भी अभी 50वां दिन हम गिनते कैसे हैं, जब यीशु मसीह जिलाया गया वो संडे से लेके इस 50वां दिन संडे, कभी भी आप नोट करो हर साल पुनरुत्थान दिन संडे ही आएगा और 50वां दिन भी संडे ही आएगा। आणि प्रत्येक वर्ष तुम्ही नोट करा की पुनरुत्थानाचा दिवस रविवारीच येतो आणि 50वां दिवस सुद्धा रविवारीच येतो ना, तो इसीलिए इसे पेंटिकॉस्ट दिन कहा जाता है। आणि हा पेंटिकॉस्ट दिवस जिस दिन स्थानीय कलीसिया का जन्म हुआ, आणि ज्या दिवशी स्थानीय मंडळीची स्थापना झाली, ये पहिला उत्तर, आणि हा पहिला उत्तर 50वें दिन का, 50वां दिवस, इस 50वें दिन को पेंटिकॉस्टल डे को, आणि हा 50वें दिवसाला शावट भी कहता है, यहूदी सन यहूदी पर्व को इसे शावट, आणि यहुदी पर्व यहुदी सणाला शावट म्हणतात, ये मोसेस के काल में बनाया गया, आणि मोसेसच्या काळात बनवण्यात आले, मोसेस के तोरा को जो तोरा दिया गया उसको स्मरण किया जाता है, आणि मोसेने जो तोरा दिलेला त्याला स्मरण, पाच पुस्तकों को जो बोला जाता है उसे तोरा कहा जाता है, आणि पाच पुस्तक ज्याला दिलेला आहे त्याला तोरा म्हणतात, पहिला पुस्तक कोण सा बताइए, बाइबल की, हाँ कौन, उत्पत्ति, दूसरा पुस्तक, तीसरा पुस्तक, लेवी, चौथा पुस्तक, नंबर्स, पांचवा पुस्तक, अनुवाद व्यवस्था कर रहे हैं, ये पांच पुस्तकें हैं जिसे तोरा कहते हैं, ये पांच पुस्तक है जिला तोरा है, और इन पांचों पुस्तकों को और परमेश्वर का दर्शन लेने के लिए परमेश्वर से आज्ञाओं को पाने के लिए मोसेस जब ऊपर गया, पांच पुस्तक प्राप्त करने जब मोशे पर्वतावरती गेला 40 दिन लगा उसे, 40 दिवस त्याला लागले, और उसके पहले के 10 दिन, त्याच्या पहिल्याचे 10 दिवस मिश्र देश से परमेश्वर ने बाहर निकाला, आणि मिश्र देशातून देवाने त्याला बाहेर काढले, उसके बाद जब परमेश्वर ने उसे होरेब पर्वत पर ले लिया, त्याच्यानंतर देवाने त्याला होरेब पर्वत 50वें दिन में जब
मोसेस को परमेश्वर ने कहा, आप निर्गमन में पढ़ सकते हैं, कहा कि अभी तक तो मैंने इनको आज्ञा दी नहीं है, अभी से ये लोग भटक गए, सोने का बछड़ा बना डाला। आणि 15व्या दिवशी देव मोशे ने म्हणाले की अजून यांना आज्ञा दिलेली नाही आहे, पण अजून हे भरपूर केलेले आहे, त्यांनी सोन्याचा वस्त्र बनवले। इस्राएल लोगों ने बोला, अरे 40 दिन हो गया मोसेस जाके। आणि इस्राएल लोग म्हणाले 40 दिवस झाले मोशेला जाऊन। कुछ नहीं, मोसेस मर गया। आणि मोशे मेला आहे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, मूर्ति पूजा किया, सोने का बछड़ा बना दिया, सोन्याचा वस्त्र बनवला, और उन लोगों ने उसकी पूजा की। आणि त्या लोकांनी त्याची मोसेस नीचे आया, नीचे आके उसने देखा कि अरे ये सब भटक रहे, नाच रहे, कूद रहे हैं, प्रसाद खा रहे, बहुत रंगरेलिया कर रहे हैं, बहुत कूद रहे हैं, मतलब बुरी रीति से, जैसे हम देखते हैं ना मूर्तियों के सामने लोग कैसे नाचते, वैसे नाच रहे थे। गुस्सा हुआ और उसने कहा कि तुम लोग इस आज्ञाओं को लेने के योग्य नहीं है, ऐसा बोलकर उसने उन पट्टियों को उनके ऊपर फेंक कर तोड़ दिया। मोशे खाली आला, पाहिलं की सभी लोग नाचत आहेत आणि खूप उड्या मारत आहेत, आणि मोशे म्हणाला की आता तुम्ही आज्ञेच्या योग्यतेचे नाही, म्हणून मोशे ने काय केलं, तर दोन्ही पाट्या तोडून टाकल्या। उस दिन फिर परमेश्वर ने लेवियों को बोला की जो लोग मेरी ओर है वो मेरे बाजू में आ जाए। आणि त्या दिवशी देव लेवी लोकांना म्हणाला की जे लोग माझ्या तरफ आहेत त्यांनी माझ्या जवळ यावे। पत्र का बाइबल का निकाल सकते हैं, एक्सोडस 32 निर्गमन 32 उसका 28। और लेवी गोत्र उसे बाजू में आ गए। और लेवी गोत्र ने तो उसने कहा कि सब अपने हाथ में तलवार ले। लेवी गोत्राने सांगितलं की तुम्ही तलवारी अपने हाथ में, और अपने जो लोग ये किया उनको मारे, ज्या लोकांनी मूर्ति पूजा केली आहे त्यांना मारून टाका। और देखो पड़े, मोशेच्या सांगण्याप्रमाणे लेवी वंशांच्या लोकांनी केले, आणि त्या दिवशी सुमारे 3000 लोक पडले। कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए, 3000 लोगों की हत्या की गई। 3000 लोकांचा मृत्यू कर झाला उस दिन, त्या दिवशी, क्योंकि उन लोगों ने मूर्ति पूजा की, कारण त्या लोकांनी मूर्ति पूजा केली होती। और 3000 लोगों को मारा बोलकर लोग शॉर्ट बोलकर यहूदी लोग ये त्योहार नहीं मनाते थे, हमने परमेश्वर से तोड़ा पाया, इसको स्मरण कर कर ये लोग ये यहूदी सन, ये लोग यहूदी ये त्योहार मनाते थे। 3000 लोकांना मारा म्हणून लोक शॉर्ट हा सण पाळत नव्हते, पण त्यांना तोरा भेटला म्हणून लोक तो यहूदी सण पाळत। परमेश्वर से मिला हुआ वचन मिला, आणि देवाकडून मिळालेलं वचन, आज्ञाओं को मिला, आज्ञा भेटली, इसीलिए वो ये त्योहार मनाते, म्हणून लोक हा सण मनवत होते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छिते, की जिस दिन यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई वो 50वे दिन में, ज्या दिवशी येशू ख्रिस्ताने मंडळी बनवली 50व्या दिवशी, सर्व अन्य भाषा में बोलने लगे, सर्व अन्य भाषा मध्ये पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा ने भरून गेले, सब हसने, वहां पर आए हुए लोग, क्योंकि आलेले सभी लोग, पेंटिकोस्टल जो त्योहार था वो लोग कैसे मनाते थे, इस्राएली लोग कैसे मनाते थे, आणि पेंटिकोस्टचा जो पर्व होता इस्राएली लोग कसे मनवत होते, वो लोग क्या करते थे, यरुशलेम में एकत्रित होते, आणि लोग यरुशलेम मध्ये एकत्रित व्हायचे, जितने बड़े हैं छोटे हैं सभी लोग एकत्रित होते, जेवढे लहान आहेत मोठे आहेत सगळे जण एकत्रित व्हायचे, और यरुशलेम में उत्सव मनाते थे, यरुशलेम मध्ये उत्सव मनाते, उस दिन छुट्टी होती थी, स्कूल नहीं, कोई काम नहीं, कोई किधर भी नहीं जाते थे, शाळा नहीं, काम नहीं, कोई कुठे जात नव्हता, सब लोग अपने लिए परमेश्वर अपनी ओर से परमेश्वर के अर्पण लाते थे, सर्वजण स्वतः करते देवासाठी अर्पण आणायचे, इसीलिए पेरितों के काम अध्याय 2 में आप पढ़ सकते कि सभी जगत से इस्राएली लोग वहाँ यरूशलेम में आए थे और वो लोग अपनी अपनी बोली सुन रहे थे। आणि प्रेषितांचे कृती आता 2 मध्ये वाचू शकता की सर्व सर्व ठिकाणांवर सर्व ठिकाणांचे लोक तिकडे आलेले आणि स्वतःची भाषा ती लोक तिकडे ऐकत होते, जो इसराइली लोक, जे इसराइली लोक अन्य दुसरे देशों में रहते थे, अन्य दुसऱ्या देशामध्ये राहायचे, वहां की वो भाषा सुनकर वो शॉक हो गए, अरे ये यरूशलेम के इसराइली लोगों को फ्रेंच भाषा कैसे आ रही है, म्हणून ती लोक तिथे शॉक झाले की या यहूदी इस्राएल लोकांनी फ्रेंच भाषा कशी काय येते, मतलब ये त्योहार यात्रेकरों को यानी ट्रॅव्हलर को यानी परदेशियों को यात्रियों को दर्शाता है, आणि हा जो सण आहे जो यात्रेकरू आहेत त्यांना दर्शवतो, इसलिए पत्रस कहता है ना तुम अपने आप को पृथ्वी के क्या समझो, आणि तुम्ही स्वतःला या पृथ्वीवर की काय समजा, परदेशी और यात्रा करने वाले, यानी एक दिन तुम्हें यात्रा करके जाना है। तो कहने का उद्देश्य कि जब वो लोग मजाक करने लगे, नहीं नहीं ये लोग सुबह से दारू पिए है, जब भी लोग मस्करी उड़ने लगे कि यार लोगों ने सारा पसंद दारू पी लिया, पत्रस उनके बीच में खड़ा हुआ, देखा वाले उभा है ना, और प्रीचिंग किया, प्रीचिंग गॉस्पल बताया, पूर्ण सुवार्थ संगीत, सबके हृदय छिद गए, सर्वांचे हृदय छिद, और उस दिन कितने लोगों का उद्धार हुआ, कितने लोगों का कारण जाना, मोसेस के तोरा लेकर नीचे आया, मोशे तोरा क्यों खाली आला, तो कितने लोग मारे गए, कितने लोग मिले,
लेकिन वही पेंटिकोस के दिन में जब परमेश्वर का आत्मा आया तो कितने लोगों को उद्धार दिया। परमेश्वर का आत्मा आया तीन हजार लोग आत्मा आने से उद्धार पाए आत्मा आने कारण नियम मृत्यु लाया नियमांनी मृत्यु आणली लेकिन आत्मा ने जीवन आत्म्याने जीवन आणले। ये बात मैं आपको फरक बताना चाहती थी क्योंकि क्यों खास मैंने भी प्रभु मुझे 3000 स्पेशल का लीडर स्पेशल का लीडर स्पेशल का लीडर तब पवित्र आत्मा ने कहा कि यहूदी लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। आणखी नजर स्पेशल काली जास्त मी देवाला विचारला तेव्हा देवाने सांगितले की यहूदी लोक पण हा सण मोसेस के नियम के अनुसार आणि मोशेच्या नियमानुसार तो ये दो फरक मालूम पड़ गया ये दो फरक माहित पडले। तीसरा हम देखते हैं कि इस पेंटिकोस्ट को कापणीचा सण यानी कटणी का पर्व कहा जाता है। आणि या 15व्या दिवसाला कापणीचा पर्व पण म्हटले जाते। क्या कहा जाता है कटणी का पर्व कापणीचा पर्व। आप इस पर्व को आणि या पर्वाला जो 50वें दिन के विषय पर 15व्या दिवसाच्या इसे कटणी हिंदी में लिखा है कटणी का पर्व आणि हिंदी मध्ये कटणीचा पर्व लिहिलेला आहे। लेव व्यवस्था 23 में आप पढ़ सकते हैं आणि लेवी 23 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। आप लेव व्यवस्था 23 निकाला लेवी 23 काढा हां तब तक मैं बात करती हूं तो फिर 24 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 23 निकालना 23 में पढ़ सकते हैं। आपको 23 निकालना है सॉरी मैं लेवी बोली थी। लेव व्यवस्था 16 में आप पढ़ सकते हैं लेवी 16 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। नंबर्स 28 में पढ़ सकते हैं आणि गिनती अध्याय 28 मध्ये वाचू शकता। और व्यवस्था विवरण 16 में आणि अनुवाद 16 मध्ये इन सारे पर्वों के विषय पर आणि या सर्व पर्वांविषयी चारों अध्यायों में आप पढ़ सकते चारही अध्यायांमध्ये तुम्ही वाचू शकता। एक्सोडस लेवी लेवी नंबर गिनती आणि डेटोनॉमी आणि अनुवाद इन चारों अध्यायों में आप पढ़ सकते आणि चारही अध्यायांमध्ये तुम्ही वाचू। तो हम यहाँ देखते हैं कि खास इस 50वें दिन को कटनी का पर्व क्यों कहा गया आणि खास 15व्या दिवसाला कापणीचा पर्व का म्हणण्यात आलेला आहे। तो इसलिए ये ध्यान से सुनना आणि लक्षपूर्वक ऐका। तो पेंटिकोस्टवे दिन में पवित्र आत्मा आया ये आपको मालूम पड़ गया। 15व्या दिवशी पवित्र आत्मा आला तुम्हाला सर्वांना माहित पडलं माहिती पडलं। 50वें दिन में पवित्र आत्मा आने से हुआ क्या आणि 15व्या दिवशी पवित्र आत्मा आल्यामुळे झालं काय नहीं हुआ क्या क्या मुख्य कारण क्या हुआ इतना आला ना पवित्र आत्मा आला पण काय झालं। हाँ बराबर बोली पृष्ठीला बोली चर्च की स्थापना हुई या भूलो मत आपको मालूम होना चाहिए पेंटिकोस्ट के दिन में प्रमुख बात क्या है पवित्र आत्मा आया और दूसरा पवित्र आत्मा आने से स्थानीय कलीसिया बनी आणि 15व्या दिवशी जेव्हा पवित्र आत्मा आला तर सर्वात पहिले स्थानीय मंडळी झाली। तीसरा उद्धार लाया कारण झाले इस पेंटिकोस के दिन के कारण उद्धार आया। उस दिन कितने लोगों ने उद्धार पाया 3000। इसीलिए ये पेंटिकोस के दिन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब इस पेंटिकोस के दिन को एक अलग नाम भी दिया गया है वो है कटनी का पर्व। पेंटिकोस तो कटनी का पर्व के विषय पर परमेश्वर हमें आत्मिक रीति से और क्या कहना चाहता आणि कापणीच्या पर्व विषयी आत्मिक रीतीने आपल्याला काय सांगू इच्छितो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एक्सोडस 23 में हम जाएंगे निर्गमन 23 मध्ये आपण जाऊ। तो निर्गमन 23 में अगर आप खोल दिया होगा निर्गमन 23 जर तुम्ही काढलं असेल तो 4 से लेके आप 14 तक 4 ते 14 पर्यंत वहां आप दो पर्व के विषय पर सीखते हैं। आदरणीय दोन सारा विषय तुम्ही पाहा तो पेंटिकोस्ट पर्व आने से पहले कटनी का पर्व यानी पेंटिकोस्ट पर्व को एक अलग नाम दिया गया है जुने करार में कटनी का पर्व आणि पेंटिकोस्ट पर्वाला जुन्या करारामध्ये एक नवीन वेगळं नाव दिलेलं आहे जे आहे म्हणजे कापणीचा पर्व। पेंटिकोस्ट ही एक पर्व है वही त्योहार है पेंटिकोस्ट का ही दिन है लेकिन उस दिन को जुने करार में एक नाम है कौन सा नाम है कटनी का पर्व। जैसे आप लोग के नाम होते हैं ना जैसे तुमचे नाव असतात क्या नाम है दो नाम किसको है अभी निशा का नाम पिंकी है निशा का नाम पिंकी है ना तो लोग पिंकी बोलते हैं। मैंने पिंकी बोली मैं तो निशा ही बोलते पिंकी नहीं मतलब निशा लेकिन उसके घर वाले उसके जान पहचान वाले उसके गांव वाले ए पिंकी ऐसा आवाज देते मालूम हुआ। तो आपको समझ में आया वैसे ही पेंटिकोस्ट डे पर्व को पर्व यानी फेस्टिवल उत्सव
सन जन्म उसको कटनी का पर्व ये भी बताया गया है। लेकिन इस पर्व में जाने से पहले आपको दो पर्व के विषय पर जान लेना चाहिए। फसह जिस दिन येशु मसीह हमारे लिए मारा गया, येशु में परमेश्वर ने मिश्र देश से इसराइलियों को बाहर निकालने के समय पर एक मेमना को काटने को बोला, उसका लहू चौखट और अलंगों पर लगाने बोला, उसका मांस भूज कर खाने के लिए बोला, अखमीरी रोटी के साथ खाने को बोला, कड़वे साग पात के साथ लाठी लिए हुए और चप्पल पहने हुए बैठकर उसकी खाने की पोजीशन भी एक्सोडस 12 में आप पढ़ सकते हैं, 12वें अध्याय में उसमें बताया गया है फसह कैसे मनाना है। और उस तो ये आत्मिक रीति से हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, आत्मिक रीति मारा गया। और हम हर साल में ये पर्व को मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष आपण हा सण साजरा करतो। बताइए कौन सा पर्व है वो, आणि सांगा कोणता हर साल मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष मनातो। गुड फ्राइडे, कौन सा फ्राइडे? गुड फ्राइडे। अरे यीशु मसीह कौन से दिन में मारा? यीशु क्रिस्त कौन से दिन में मिला? शुक्रवार को, उसको गुड बोला गया, ये अच्छा शुक्रवार, उत्तम शुक्रवार। इस जितने शुक्रवार है उनमें सबसे बेस्ट शुक्रवार था जिस दिन हमारा यीशु मारा, जितनी शुक्रवार है त्याच्यामध्ये सर्वात उत्तम शुक्रवार है ज्या दिवशी येशू, क्योंकि वो मारा इसलिए हमें जीवन मिला, कारण तो मेरा म्हणून आपल्याला जीवन, हमारी सजा उसके ऊपर गई और उसकी पवित्रता उसका जीवन हमें मिला, आणि आपली शिक्षा त्याच्यावरती गेली त्याची पवित्रता इसलिए आपल्याला गुड फ्रायडे बोला जातो, त्याला गुड फ्रायडे म्हणण्यात आलेला आहे। हॅलो मां, तो फसह गुड फ्रायडे है आणि वरणन सण हा गुड फ्रायडे आहे, समजले? कळलं? अब हम देखते अखमीरी रोटी, आता अपन पहतो बेखमीर भाकर। अखमीरी रोटी यानी पुनरुत्थान का दिन, बेखमीर भाकर म्हणजे पुनरुत्थान। येशु एक ऐसा शरीर जिलाया गया जिसमें कोई पाप नहीं था, आणि येशु ख्रिस्त एक असं शरीर जिवंत झालं ज्याच्यामध्ये कोणताही पाप नव्हता। हॅलो मुला, अगर आप इसे पढोगे आणि हॅलो जर तुम्ही वाचले, तुझ्या लोकांपैकी जो कंगाल असे त्याच्या मुकद्दम्याचा निवाडा विपरीत करू नको। तेवीस लैव व्यवस्था निकाल, लैव व्यवस्था केली, सॉरी मी थोडासा आत गेला, ये ते थोडं हो रहा है, लैव व्यवस्था निकाल, ते 23 लेवी 23 उसका अच्छे से पढ़ो। त्याच महिन्याच्या 15व्या दिवशी परमेश्वर प्रत्यर्थ बेखमीर भाकरीचा सण सुरू होतो। एप्रिल महीने के 15वी तारीख से अखमीरी रोटी का पर्व तैयार होता है। अखमीरी रोटी यानी जिसमें कोई खमीर नहीं, ज्याच्यात खमीर जे फुगवणं पाप ते नाही। मग ती कोणती रोटी आहे? ती आहे येशू ख्रिस्त जी तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाली। हा, त्यात तुम्ही 7 दिवस बेखमीर भाकर खावे। पहिल्या दिवशी तुम्ही पवित्र मेळा भरावा, त्या दिवशी अंग महिरतीचे काम करू नये। 7 दिवस तुम्ही परमेश्वराला हवे अर्पावे। 7व्या दिवशी पवित्र मेळा भरावा, त्या दिवशी। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे गुड फ्राइडे के दिन में और पुनरुत्थान के दिन में हम इन त्योहारों को मनाना है, छुट्टी लेना ही है, कामकाज नहीं करना है, उस दिन हमें चर्च में आना ही है और इस दिन को मनाना है। इसीलिए प्रयोग हम देखते हैं कि अखमीरी रोटी का पर्व जो कटनी के पर्व पहले आया है, बेखमीर भाकरीचा पर्व जो कापणीच्या पर्वाच्या अगोदर आलेला आहे, इसी अखमीरी पर्व को फर्स्ट फ्रूट यानी पहिली उपज का पर्व कहा गया है, आणि या बेखमीर भाकरीच्या पर्वाला पहिली उपज असं म्हणण्यात आलेला आहे। और देखा गया तो यीशु मसीह ये पहिला उपज, पहिला फल है जीव उठने का, आणि येशू ख्रिस्त हे पहिलं पीक आहे जीवंत होणे, इस रूपे जीवंत होणे। करंथियों की पहिली करंथियों की पत्री अध्याय 15 में पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह प्रथम फल है जीव उठने का और उसके बाद बारी बारी से उसके लोग। पहिले करंथियांचा पत्र अध्याय 15 त्याच्यामध्ये तुम्ही वाचू शकता की येशू ख्रिस्त प्रथम फळ आहे जीवंत होण्याचा, त्याच्यानंतर लाईनचे लोक जीवंत होणार। मसीह में जो लोग मसीह में है वो बारी बारी से, तो सबसे पहला कौन जिलाया गया? आणि सर्वात पहिले कोण जीवंत झाला? येशू मसीह के बाद, येशू मसीह में, येशू ख्रिस्त, येशू मसीह जिंदा हुआ, आणि येशू ख्रिस्त जीवंत संडे के दिन, आणि रविवारच्या दिवशी, उसके बाद त्याच्यानंतर पहिला मरने के बाद कोण जिंदा हुआ? पहिला मेल्यानंतर कोण जिवंत झाला?
टाकू तो उसी दिन जिंदा हुआ ना। हाँ स्टीफन को जब पत्थरबार किया गया तो इसलिए प्रियो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जिन्होंने अपना प्राण यीशु में बंद किया आंखों को बंद किया वो जिलाए गए जिंदा हो गए। अब उसके बाद हम देखते हैं ये त्योहार होने के बाद जब अखमीरी रोटी से फर्स्ट फ्रूट पहली उपज से दिन से लेके 50वें दिन तक ये 50वें दिन में कटनी का पर्व हो रहा है। 15 वचन से पढ़ो। शब्बातानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी तुम्ही ओवाळणीची पेंडी आणाल त्या दिवसापासून पुढे 7 शब्बात मोजावे। हा मी फिर से बताते आता पुन्हा वाच। शब्बातानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी हा शब्बात कोणते दिन में है? हा शनिवार। कोणता दिवस आहे? आपला नाही हो आपला शनिवार आपला रविवार आहे। आता बायबल नुसार इस्रायलच्या पुन्हा वाचले शब्बातानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी शब्बात इस्राइल लोगों का शब्बात कोणता दिन है? सॅटरडे। त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे कोणता? रविवार। या रविवारी जी पहिली उपज जिवंत झाली पहिली आणली। हा तुम्ही ओवाळणीची पेंडी आणाल। हा ओवाळणीची पेंडी येशू ख्रिस्त त्या दिवसापासून पुढे 7 शब्बात मोजावे। जर 7 शब्बात मोजले हा पुढे 7व्या शब्बाताच्या दुसऱ्या दिवसापर्यंत 7वा शब्बाताचा म्हणजे 7 आठवडे झाले आणि त्याचा जो शनिवार 7वा शनिवार आहे त्याचा नेक्स्ट डे 50वा दिवस मोज। म्हणजे हर वेळेला 50वा दिवस कोणकोणत्या दिवशी येणार? शनिवारच्या नंतरचा दिवस रविवार। हा त्या वेळेला काय कर? 50 दिवस मोजून त्या दिवशी परमेश्वर प्रत्येक नवे अन्न अर्पण करा। नवीन अन्न। कोणता अन्न? नवीन। म्हणजे तुम्ही नवीन शेतीतली नवीन पीक आता ह्याच्यावर थोडस लक्ष द्या। नाही किती की नाही त्या देशामध्ये वर्षातून 2 वेळा पिकाची कटणी होते। उस देश में साल में 2 बार कटणी होती। त्या देशाला पॅलेस्टाईन देश इस्रायल देश असं म्हटलं जातं। उस देश को पॅलेस्टाईन फिर इस्रायल देश बोला जाता है। त्या जी लवकर कापणी केली जाते और जो जल्दी कटणी की जाती है मेच्या एंडिंग और मे की एंडिंग में और जूनचा पहिला आठवडा और जून के पहले हफ्ते में। पुन्हा सांगते कसे बता दे दोन कापण्या दो कटणी कधी असं होतं का? कधी असं होतं? तुम्ही शेती केली? आपली शेती की है? तुम्ही जेव्हा शेती लावता अजगाव किती लगाते काय लावता? गहू लावता बाजरा लावता काही लावता मका लावता कणीस लावता काही तुमच्या जिथं जे उत्पन्न होतं ते लावता। मग कापणी तुम्ही 2 वेळा करता का एक संगतीच कापणी लावता? आणि तुम्हा आप एक ही बार लगाते हो या दो बार लगाते? दो बार लगाते। और वही मैं पूछ रही हूँ आपको आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। आपको जो मालूम है वो बोलो। इन्होंने बोला दो बार दो बार भी लगाते एक बार भी लगाते। दो बार क्यों लगाते हैं? नहीं कटनी कटनी में बता रही हूँ कटनी कटनी आप जब कटनी करते हो सोचो मैंने अभी गहू लगा दिया इतने में गहू लगाया हाँ तो ये गहू लगाने के बाद गहू लावल्याच्या नंतर कटनी जब आप करोगे जेव्हा तुम्ही एक बार करोगे या दो बार करोगे? दोन वेळा हाँ हाँ। अभी हमने क्या बोला जो जल्दी पक जाता है वो ऊंचे पे रहता है और जो पका नहीं रहता है वो नीचे रहता है। वैसे ही होता है प्रयोग पैलेस्टीन देश में भी वही हाल है कि जो कुछ भी पहले आ जाता है और कुछ भी बाद में तैयार होता है। इसलिए वहां पर भी दो कटनी जो आपने बोला आप गलत नहीं बोले हो सही बोले हो।
जो खेती करता है उन्हीं को मालूम रहता है, इसीलिए कभी कभी कटनी करने वाले दो बार कटनी करना पड़ता है। तो जो पीक तैयार हो गया रहता है, सोचो गेहूं लगाया है, कुछ गेहूं तैयार हो चुके हैं, तो बाले उसकी बन चुकी है, बाले तो वो तैयार हो चुकी है, वो उसको बराबर से उसी को काटते दूसरे की हानि होने नहीं देते, दूसरे से हानि हो देते एकदम केयरफुली। जो पहली कटनी है वो बड़ी केयरफुल से करते हैं, पहली काम नहीं आएगी तो पाजू दुर्गा दूसरे की हानि नहीं होते, जो एंडिंग में कटनी होती है ना फटाफट करते हैं, लेकिन जो पहली कटनी होती है पहली काम नहीं बड़ी केयरफुल की जाती है, पाजू दुर्गा करना है, इसे बहुत संभाल करे बाबा सब उन्हें धीरे धीरे काटते हैं, जो पका है उसी को लेते हैं, जो पिकलेला है त्याला सांभाळून ती लोक काटते, एक इधर होगा तो एक उधर होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा एक इधर होगा ऐसा, आणि सर्व वेगवेगळ्या ठिकाणी पिकलेली असते। तो जो पीक कटा है यानी तैयार पीक है वो उस गेहूं का तुम्हें क्या करना है, आटा बनाना है, उसकी चपाती बनाना है और वो तुम्हें परमेश्वर को चढ़ाना है। आज ये तैयार गहू झालेले आहे त्याचा तुम्हाला पीठ करायचं आहे आणि त्याला मूळ तुम्ही सभाला बोलून ते देवाला उसके बारे में वही लिखा है, जो तैयार नई उपज में से ही तुम्हें परमेश्वर को चढ़ाना है। आज नवीन उपज आहे त्याच्यामधूनच तुम्हाला देवासाठी अर्पण करायचं आहे। वो उनके यहाँ होता है मे का एंडिंग, आणखी त्यांच्या इथे होते मे च्या एंडिंगला, आज जून के फर्स्ट वीक आणि जूनच्या पहिल्या आठवड्यात। अभी इसका वचन आत्मिक रीतीने शिकलो आणि याचं वचन तुम्ही आता आत्मिक रीतीने शिका, पवित्र आत्मा भी ऐसा ही करेगा, पवित्र आत्मा सुद्धा असंच उसकी कलीसिया में त्याच्या मंडळीमध्ये जो लोक तयार है आणि जी लोक तयार आहेत उन्ही को उसमें से उठाकर वो लेके जाए आणि त्याच लोकांना त्याच्यामध्ये उतरून और परमेश्वर के सामने तयार पीक को यानी उपज को चढ़ाएगा आणि देवासमोर तयार पीक को चढ़वेल। त्या दिवशी परमेश्वर प्रीत्यर्थ नवे अन्न अर्पण करावे, नया अन्न बलि तुम चढ़ाना, वैसे ही जो नए यानी यीशु मसीह ऑलरेडी चढ़ चुका है, यीशु मसीह में जो लोग तैयार है आप में से वो क्या होगा, तैयार लोग अचानक संडे के दिन गायब हो जाएंगे, टक 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 संडे गए, क्योंकि 50वां दिन कभी आता है, कौन सा दिन एनी टाइम कौन से भी ईयर में वो संडे ही आएगा, तो रविवार से याद रखो संडे के दिन आएगा, रविवार संडे के दिन ही रैप्चर होगा, रविवार संडे के दिन ही पवित्र आत्मा आया, रविवार 50वें दिन में पवित्र आत्मा आया, वो दिन कौन सा था, 50वें दिवसी पवित्र आत्मा आया, तो दिवस कौन सा होता, इसीलिए उसने संडे की प्रार्थना रखी, रविवार इसे हम संडे को मिलते हैं, पवित्र आत्मा आया दिन वो संडे है, पवित्र आत्मा दिवस चर्च बना वो संडे है, मंडली स्थापित यीशु जिंदा हुआ वो संडे है, इसलिए हम मिलते भी संडे को और हम जाएंगे भी रविवार, इसीलिए इसे कटनी का पर्व लिखे थे, इसलिए बी केयरफुल, अगर रैप्चर के समय पर आप तैयार नहीं हो तो आप वही रहोगे, पृथ्वी पर ही रहोगे, आप में से जो तैयार है आपके बाजू में बैठा हुआ उठ जाएगा, आप उधर ही रहोगे, शायद हो सकता है हम प्रार्थना करने के समय पर रैप्चर हो सके, या दोपहर में हो, आप दोपहर में तो घर में रहते हो, अभी हम बात करते करते अचानक हम रैप्चर भी हो सकते हैं, शायद आज अगर रैप्चर है तो कल हम अभी गायब हो जाएंगे, तैयार हो तुम लोग, हाँ बोलेंगे, लेकिन हम अपने आप को चेक कर रहे हैं कि हम तैयार है, हम हर संडे पालन करते हैं, हर संडे आते हैं क्या, चलो पवित्र आत्मा उन्हीं को लेके जाएगा जिन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया, पवित्र आत्मा ने चर्च बनाया, पवित्र आत्मा ने चर्च चर्च आते हैं, चर्च मध्ये आपण येतो, पवित्र आत्मा ने बाइबल बनाया, पवित्र आत्मा ने बाइबल बनवले, बाइबल पढ़ना है, बाइबल वाचायचं, उसका अनुसरण करना है, अनुकरण करायचं, वो जो कहता है वो करना है, ते जे काही बोलतो ते आपल्याला करायचं, उन्हीं को जानता है, आणि त्याच लोकांना पवित्र आत्मा कटनी करेगा, आणि पवित्र आत्मा कापणी करेल, पवित्र आत्मा जानता है हमें हम कैसे है, आणि पवित्र आत्मा आपल्याला जाणतो की आपण कसे आहोत, हम कैसे है, हम कहां पर है, वहीं से वो उठाएगा, आणि आपण कसे आहोत कुठे आहोत तिथूनच तो आपल्याला उचलेल, हम बोलेंगे हाँ मैं भी बोलूंगी की तैयार है, पवित्र आत्म्याला दिसलं पाहिजे मी तयार आहे, पवित्र आत्म्याला दिखाई देणार नाही की
येशु को इनकार कर छह छह नंबर देती थी नहीं नहीं तो माता मान उठली तुम तरी आज हसायला येत पण तो काल किती भयंकर काळ आहे फक्त साडेतीन वर्ष जरा स्टार्टिंगचे चांगले आहेत साडेतीन वर्षाच्या काळातच सहा सहा नंबराची प्लॅनिंग असतात साडेतीन साल के समय पर सहा सहा नंबर घ्यायचा ख्रिस्ती लोकांसाठी तर साती वर्ष खराब आहे लोकांची सातच साल खराब आहे साती सातच वर्षाचा तो काळ आहे साती साल का काळ आहे सात वर्षच तो काळ राज्य करेल टॉर्चर करेल टॉर्चर साडेतीन वर्ष झाल्यानंतर देवाच्या विपत्त्या चालू होईल साडेतीन साल होणे के बाद परमेश्वर की ओर से विपत्तियां चालू हो जाएगी इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां ये जो नदी निकली नदी लघु हो जाएगी जी नदी इंसान को पानी नहीं लेगा जो हमने देखा ना परमेश्वर के साथ कटोरे जो स्वर्ग तो ढूंढे रहे धीरे धीरे सब पर होने लेंगे टिटिया निकलेगी वो टिटिया डसेगी मरना नहीं मृत्यु नहीं रहेगा तड़प रहेंगे तड़पते रहेंगे जलता रहेगा पूरा बदन जलता रहेगा जिसकी अगर सोचो बाई चांस में रह गए मेरे सिर पे तो मोहर लगा दिया है ना मोहर लावली इसलिए वो टीटी मेरे बाजू से होकर जाएगी तो मुझे नहीं डसे मुझे तो भागना ही पड़ेगा साढ़े तीन साल के पहले ही भागना पड़ेगा जैसे मुझे मालूम पड़ा मेरा पति उठा लिया गया है जोशुआ ये सर नहीं चर्च के लोग पहले जाके देखूंगी फिर भाई गायब हो गए हेलो अरे अभी भाई गए लोग फैमिली को फोन नहीं उठा रही किसको लूं मेरे साथ सबको मैं फोन लगाऊंगी ऐसा लेना फोन ला रही कोई भी नहीं उठा रहे मतलब मुझे मालूम पड़ गया क्या हो गए तुम लोग गेले म्हणजे मी एकटी राहिली मला सपोर्टर कोणच राहिला म्हणजे सपोर्टर कोणी भी नाही झाली माझी तर वाट मग मला तर पडूनच जावं लागेल ना म्हणजे कारण मी तातडी म्हणजे त्यांच्या कावळीमध्ये पडता कामा नाही म्हणून देव माझा उपाय अद्भुत रीतीने करेल परमेश्वर उपाय अन्न पाणी उपाय रीतीने करेल फक्त वचनाने मी जिवंत राहील असे वचन की द्वारा मी जीवित राहील वचन तर बायबल तर गायब होऊन जाईल आता जे पाठांतर केले तेच मला उपयोगी पडेल बायबल तर उभारली जाईल जो मी बाहेर केले होय मुझे स्मरण करणार जंगलात पळत असताना जंगलामध्ये लपून राहत असताना की टोळ माझ्या बाजूने जाईल पण मला डसणार नाही जंगल मी रहते समय वो जो टिटी है मेरे बाजू से जाएगी पर वो मुझे काटेगी ही नदी लाल झाली रक्ताची झाली पण मला देव बरोबर झऱ्यातून पाणी देईल आणि जो नदी आहे लहू बन चुकी फिर भी परमेश्वर मुझे पाणी पिलाएगा पण त्रास आहे घरात राहू शकत नाही तुम्ही त्या विपत्त्या वाचा प्रगती करणार माझ्या विपत्त्या वाचा त्याच्या विपत्त्या पृथ्वीवर देवाने टाकल्यात बाप रे येशूने म्हटलं आहे ऐसी पिडाय पृथ्वी बनाने से पहिले से कभी नहीं होगी इतनी पिड़ाए है लेकिन चुने हुए के कारण क्योंकि मैं भी चुनी हुई हूँ ना सेकंड कटनी उसके लिए मुझे बचना है इसीलिए कम की गई है लेकिन प्रभु मुझे नहीं रखेगा मैं उदाहरण में पकड़ा तो सोचो कितना भयंकर काल है वो इसलिए पेंटिकोस्ट की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काल है पवित्र आत्मा का आना सही चर्च का जन्मदिन आज इसीलिए प्रभु ने हमको इकट्ठा होने के लिए बोला है इसलिए लोग चर्च में आते नहीं है लोगों को चर्च में आना कंटाला लगता है क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये लोग चर्च में आएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे स्वर्ग जाएंगे इसलिए चर्च में आने नहीं देता दूर है ना लंबा है ना पैसा जाता है ना कितना कड़ी धूप है बाप कितनी गर्मी है एक तो हमारे पास इधर ए सी भी नहीं है हमारे इस हॉल में कितनी गर्मी होती है हो रही है ना लेकिन हम फिर भी आना है गर्मी हो ठंडी हो कितनी भी बारिश हो हमें तो चर्च में आना है क्यों क्योंकि यहीं से हम गायब होंगे उठाए जाएंगे जब इसराइल यीशु के शिष्य 120 इकट्ठे थे तब आत्मा आया तब सामर्थ आया और तब गए उसी रीति से जब भी सब जमा है उसी में से उठा लिए जाएंगे
याद होतो. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्ताचे शिष्य एकत्रित होते तेव्हा पवित्र आत्मा आला, त्याचं सामर्थ्य आलं. जेव्हा आपण लोक एकत्रित असतो तेव्हा आपण उचलले जो इकट्ठे होते हे वही उठाले जाईल. आणि जे एकत्रित असतात तेच उचलले. जो इकट्ठे नाही होते, चर्च नाही आते, तो नाही जायंगे. आणि जे एकत्रित होत नाही, मंडळी देत नाही, ते नाही जाणार. इकट्ठा होना छोड़ो मत. बाइबल लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि कितने लोगों ने छोड़ दिया है इकट्ठा होना. दस अध्याय और उसका पच्चीस. हिब्रू चैप्टर 10 25. आपण कितीकांच्या चालीप्रमाणे आपले एकत्र मिळणे न सोडता. हा, कितने लोग एकत्रित नाही हो रे, बपतिस्मा लिए है लेकिन चर्च नहीं आ रहे. आज शादी को गए, आज काम पे गए, आज पैसा कमाने को गए, आज इधर गए, आज फलाना गए, उधर गए, इधर गए, नहीं आ रहे चर्च. लेकिन हम एकत्रित होना न छोड़े, ऐसा लिखा है ना. पुनः वर्ष कीजिए. आपण कित्येकांच्या चालीप्रमाणे आपले एकत्र मिळणे, एकत्रित होणार न सोडता. हम नहीं छोड़े. हम एकत्रित होना है. सचमुच हम चर्च के जो लोग हैं, हम सचमुच एक फैमिली है. आणि आपण चर्चचे लोक आहोत. आपण एक कुटुंब आहोत. हम एक फैमिली है. आणि आपण एक कुटुंब आहोत. हमें एक दूसरे से प्रेम करना है. आणि आपण एकमेकांना पकडे रखना है. एक दूसरे की निंदा बुराई नहीं करना है. एकमेकांची निंदा बुराई नहीं करायची. एक दूसरे के पीछे भी नहीं बोलना है. एकमेकांच्या पाठीमागून पण नाही बोलायचं. कुछ भी में तो एक मसीह है. कारण काही झालं तरी आपण एक ख्रिस्ती आहोत. इसलिए जागृत रहो. इसलिए इकट्ठा होना मत छोड़. आणि म्हणून एकत्र होणं सोड. आगे क्या लिखा है? एकमेकांना बोध करावा. आणि तो दिवस जसा जसा जवळ येईल. तो दिवस म्हणजे कोणता दिवस? हा, तो दिवस म्हणजे रॅप्चरचा दिवस. तो दिवस म्हणजे कटणीचा पर्व. तो दिवस म्हणजे पेंटिकॉटचा दिवस. तो दिवस म्हणजे उचलायचा दिवस. तो दिवस म्हणजे देवाकडे जायचा दिवस. तो दिवस म्हणजे तयार होण्याचा दिवस. त्या दिवशी जसा तो जवळ येत आहे तर तुम्हाला दिसते तसा तसा तो अधिक करावा. तेव्हा अजून बाबा नको. बाबा मी चौसाला नाही गेलो. मी नरकात गेलो तर मी राहिलो तर मला पृथ्वीवर ठेवलं तर नको नको. मी जातो चर्चला. माझा एवढ्या वर्षापासून मी शपथ पालन करतोय. एक दिवस नाही गेलो तर माझा गेला सगळं एवढं सगळं वाया जायचं. नको नको. जातो मी चर्च. जास्त करायचंय. ज्यादा करणार ही देवाची इच्छा आहे. पवित्र आत्मा दिल्याबद्दल धन्यवाद. परमेश्वर को कहेंगे तुम्ही पवित्र आत्मा आहे ना. तुमच्यात पवित्र आत्मा आहे ना. तुमच्यात सगळ्यात आहे. तुमच्यात आहे म्हणून तुम्ही ते आहात. यांच्यात पवित्र आत्मा नाही. ते पवित्र आत्मा नाही. देत नाही. देतात का? नाही. तुमच्यात आहे म्हणून तुम्ही ते आहे. आपले दोन्ही हात जोडू. आपले दोन्ही हात जोडू. पहिलं मराठीत प्रार्थना करू मग हिंदीत. पहिले मराठी मी प्रार्थना केली की बाकी हिंदी. पवित्र पिता मी धन्यवाद देतो. आज या 50व्या दिवशी मी तुझे आभार मानतो की तू स्थानीय मंडळी 2023 वर्षापूर्वी बनवलीस. मी तुझे खूप आभार मानतो. ही स्थानीय मंडळी पवित्र आत्म्याच्या द्वारे बनली गेली. पवित्र आत्मा तू त्या दिवशी आला म्हणून मंडळी बनवली. वचन दिलंस, शुद्ध केलंस, तारण केलंस. आज सियोन मंडळी सुद्धा तूच बनवली आहे. या सियोन मंडळीद्वारे तू आला आहेस. मंडळी मिळाली आहे. माझं तारण केलं आहे. मी धन्यवाद देतो प्रभू. पवित्र आत्म्यासाठी धन्यवाद देतो. सियोन मंडळीसाठी धन्यवाद देतो. माझं तारण केल्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. पवित्र आत्मा तू जेवण पण
पृथ्वी सोडून स्वर्गात जाशील माझी आठवण ठेव, मला त्या अगोदर तयार कर, माझा आत्मा दुसऱ्या पिकासाठी कापणीसाठी ठेवू नको, पहिली कापणीच त्याच्यामध्ये माझ्या आत्म्यालाही ग्रहण कर। प्रभू येशू महाक्लेशाच्या वेळेला मला ठेवू नको, मला त्या काळात राहायचं नाही, माझ्यावर दया कर। हे प्रभू येशू माझ्यावर दया कर, तू दयाळू आहेस। आतापर्यंत या वेळेपर्यंत माझ्या उठण्यात, बसण्यात, बोलण्यात, चालण्यात, बऱ्याच कामामध्ये मी तुला खूप दुखवलं आहे, मी पापी येतो, मला क्षमा कर। पवित्र मी तुला दुखवलेला आहे, मला माफ कर। येशूच्या रक्ताने मला धुवून टाक, मला पवित्र कर। मी बऱ्याच वेळा आज्ञानी चर्च आले नाही ते लोकच बोला, प्रभू मी बऱ्याच वेळेला चर्चमध्ये आलो नाही, माझा शब्द चुकला आहे, मला माफ कर। प्रभू येशू यापुढे मी शब्द चुकवणार नाही, मला माफ कर। मी हर रविवारी चर्चला येईल, उन्हाळा असो, पावसाळा असो, हिवाळा असो, कोणताही ऋतू असो, मी चर्चला येणार। त्यासाठीच मी चर्च बनवलं ना, आम्ही चर्चमध्ये नाही येणार म्हणजे मी नरकात जाईल ना, मला नरकात जायचं नाही, मी चर्चला येणार। मी चर्च कधी चुकवणार नाही, पण जे बायबल वाचत नाही त्यांनी बोला, प्रभू येशू मी बायबल वाचत नाही, तू दिलेलं बायबल जीवनाचा झरा आहे, जिवंत पाणी आहे, मी पापी आहे, मला माफ। प्रभू मी जाणून बुजून कधी कधी पाप करतो आणि बायबल वाचत नाही, मला क्षमा कर, मला माफ कर, माझ्या दया। आजपासून मी रोज बायबल वाचेल, आणि जे सगळे बच्चा होत आहे शांत राहणार, मी आजपासून रोज बायबल वाचेल। प्रभू येशू बायबल रोज हातात घेईल, मला माफ कर। जे लोक प्रार्थना नाही करते वो लोक बोलले, पवित्र पिता मी प्रार्थना करत नाही, मला क्षमा कर, माझं प्रार्थनेचं जीवन नाही, मला क्षमा कर। यापुढं असं कधीच करणार नाही, मला तयार कर। मी आजपासून रोज प्रार्थना करेल, फॅमिली प्रेयर करेल, वैयक्तिक प्रार्थना करेल, मला माफ कर। माझं प्रार्थनेचं जीवन पवित्र आवा तू कर, आजपासून मी तुझ्याशी खूप बोलेल। धन्यवाद देतो, जो लोक उपवास नाही करते वर बोलेल, प्रभू येशू मैं उपवास नाही करता, मुझे क्षमा कर, मेरे शरीर के कारण मैं उपवास नहीं कर पाता, लेकिन आज से मैं उपवास करूँगा। हफ्ते का जो शुक्रवार दिन है या अन्य दिन मैं ज़रूर करूँगा, हफ्ते की दो दिन जरूर तुझे दूंगा, मुझे उपवास करने के लिए मदद करो। कभी प्रार्थना आप मदद के लिए आए, मुझे मदद करो, मैं आज से उपवास करके मेरी सारी कमजोरियों पर जय प्राप्त करूँगा। जो लोग दान दशांश चोरी करते हैं देते नहीं, हम प्रेयर करेंगे, वो लोग प्रेयर करेंगे। प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, आपका जो हक है दान और दशांश वो मैं नहीं देता, पता नहीं क्यों मुझे पैसा देने के लिए इच्छा ही नहीं होता, मुझे आपको दशांश डालने के लिए वो भी इतना सारा मुझे इच्छा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है 10 रुपये ठीक है, उसे बढ़कर देने के लिए इच्छा नहीं होती, मुझे माफ़ करो। प्रभु यीशु आज से मैं मेरे उत्पन्न का दशांश बराबर दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, बराबर से डालता जाऊंगा। पवित्र आत्मा मुझ पर दया करो, मैं धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये तू अभी असं बोलेल, पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये तू ये, मला घडव,
मला बनव, आजपासून मला तयार कर। जर आज किंवा पुढे येणाऱ्या काळात जेव्हा पण कापणी असेल तर मला नक्की आठवण ठेव, ही माझी प्रार्थना। त्याबोलून मला तयार कर, घडव मला, मला ख्रिस्ती बंधूसाठी एकमेकांसाठी प्रेम दे, माझ्या मंडळीसाठी मला प्रेम दे। येशूच्या नावाने ही प्रार्थना करतो, आमेन। आमेन। प्यारे पिता, येशू के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। आज पेंटिकोस दिन है, 50वां दिन। पवित्र आत्मा आई, पवित्र आत्मा आया और स्थानीय कलीसिया बनाई। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा के लिए और स्थानीय कलीसिया के लिए। पवित्र आत्मा आप मुझ में आए इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सियोन कलीसिया दिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा मैं पापी हूँ, मैंने आपको बहुत दुखाया, मैंने आपको शोकित किया है, मुझे क्षमा करो। चर्च में न आकर, उपवास न करकर, प्रार्थना न करकर, दान दशांश न देकर और पाप में रहकर मैंने आपको दुखाया है, मुझे क्षमा करो। जो लोग चर्च में नहीं आते वो लोग बोलेंगे, पिता मैं चर्च में नहीं आया, मैंने शब्बात तोड़ दिया है, मुझे माफ करो। आज से मैं मेरा हर हफ्ते का दिन तुझे देता रहूँगा। काम से बढ़कर, जीवन से बढ़कर तेरे चरणों में आने का दिन इसे माना करूँगा, पवित्र माना करूँगा। मैं आज से तेरे भवन में आता रहूँगा और आज के बाद शब्बात कभी नहीं चुकाऊंगा। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग बोलेंगे, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, इतने अच्छे परमेश्वर के साथ मैं बात नहीं करता हूँ, मुझे क्षमा करो। आज से मैं रोज प्रार्थना करूँगा, हमेशा प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए मदद दीजिए। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वो लोग बोले, पवित्र आत्मा आपका पुस्तक जो पवित्र है, सिद्ध है, जो मुझे सिद्ध करता है, मैं नहीं पढ़ता, मुझे माफ करो। आज से मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मुझे माफ करो। जो लोग उपवास नहीं करते वो लोग बोले, प्रभु यीशु मैं उपवास नहीं करता, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। आज से मैं रोज उपवास करूँगा और हफ्ते का दो दिन जरूर दूंगा। इसके लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो। जो लोग दान दशांश नहीं देते बराबर से वो लोग बोले, पवित्र आत्मा आपकी कली से आता जो हक है वो मैं नहीं देता, मुझे देने की इच्छा ही नहीं होता और ज़्यादा देने की इच्छा नहीं होता, लेकिन आज से मैं इस आज्ञा का पालन करूँगा। जो आपका हक है उसे मैं ज़रूर दूंगा और उसे मैं पालन करूँगा, मुझे मदद कीजिए। पवित्र आत्मा सभी बोलेंगे, पवित्र आत्मा मुझे तैयार करो, बनाओ। अभी भी मैं बहुत सारी बातों में बना नहीं हूँ, मुझे बनाओ, तैयार करो और कटनी के समय पर मुझे स्मरण करो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आपको तो बंदर पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु। आज 50वें दिन में हम सब ने अपने पापों को कबूल किया है। मैं आपका दास होने के नाते सियोन चर्च में आने वाले सबके पापों के लिए क्षमा मांगती हूँ। हर एक हमारे उठते बैठते चलते कुछ ना कुछ बातों में या गुप्त बातों से हमने आपको शोकित किया है, पवित्र आत्मा माफ करो, माफ करो। बाइबल न पढ़ने के द्वारा हमने आपकी महिमा नहीं की, माफ करो। प्रार्थना का जीवन नहीं हुआ, उपवास नहीं किया है,
आपकी महिमा नहीं की, इसलिए क्षमा करो और मैं भी आपका दास होने के नाते इन सबके पाप क्षमा करूंगी। तू भी इन सबके पाप क्षमा कर और प्रभु राज्यों के समय में इन सबकी और मेरी भी सुनी लेना। हमें से किसी को भी भूलना नहीं, जब भी होगा, आज होगा, आगे होगा, कभी भी होगा, लेकिन हम जब भी प्रभु उठाए जाए तो हमें याद रखना। हमें से कोई भी प्रभु कड़वाहट की जड़ में या प्रभु गलबंदी या फूट या विधर्म के दर इसमें कभी फंसने न देना। प्रभु पवित्र पिता, ये मेरी प्रार्थना है, जितने लोग कड़वाहट की जड़ में जकड़े हुए हैं उन सब की कड़वाहट की जड़ को मैं यीशु के नाम से उखाड़ देती हूँ और इन सब के अंदर मसीह के लिए प्रेम और आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम निकले। यीशु का लहू लगाती हूँ, छुटकारा घोषित करती हूँ और प्रभु ये सभी उठाए जाए, इनमें से एक भी नीचे नहीं रखना। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, समय पर बहुत तकलीफ है प्रभु, तू भी ये जानता है कि महाक्लेश के समय पर बहुत तकलीफ है और इसलिए तो हमें कृपा प्रदान करता है, समय देता है, काल देता है ताकि हम बदले तो प्रभु हम सबको मसीह के जैसा, तेरे जैसा बना दे। इन सबको धन्यवाद देते यीशु का लहू लगा के, इनको सबको तू आशीषित करना, शबाद इनकी सारी आशीष देना, करुणा दया रखना, धन मान सम्मान से दीर्घाय से प्रूव करना। इन सबके सामने रविवार दिन कितना इम्पोर्टेंट ये रखा है, बस इस वचन को स्मरण रखकर चलने के लिए मदद करना। प्रभु का अपने आप को इतने कामों में व्यस्त न करे कि तेरे लिए टाइम नहीं, ऐसा कभी ना बोले। तेरे लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए करना है, जो कुछ करना है हमें अपने लिए करना है, ये स्मरण रखते हुए करने के लिए मदद करना। इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, धन मान सम्मान से दीर्घाय से प्रूव करना। मैं आपका दास होने के नाते इन्हें आशीषित कर दे और आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।